भाजपा युवा नेता व हिंदू युवा जनजाति संगठन के मंडल अध्यक्ष पर हुए हमले के 7 आरोपियों को दशहरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरा मामला 3 सितंबर 2021 का है। भाजपा युवा नेता तथा हिंदू युवा जनजाति संगठन मंडल अध्यक्ष सरदारपुर चुन्नीलाल गामड़ चिचोड़िया पर रात्रि अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर वाहन पर पथराव किया गया। दरअसल घटना दिनांक को रात्रि को अपने 3 साथियों के साथ खुटपला में गुरुदेव कमल किशोर जी नागर के दर्शन वंदन कर अपने बुलेरो वाहन से पुनः घर के लिए लौट रहे थे। इसी दौरान 3 सितंबर रात्रि लगभग 9:15 पर ग्राम बामन खेड़ी से कोटगा के बीच गुंडी खेड़ा फाटे पर अज्ञात लोगों द्वारा बड़े बड़े पत्थर लगाकर वाहन को रोक लिया तथा वाहन को चारों ओर से घेर कर जानलेवा हमला करते हुए पत्थरबाजी की गई। वाहन के कांच फोड़ दिए गए। इसी बीच गाड़ी को रिवर्स लेते समय गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। जैसे तैसे चारों वाहन जान बचाकर वहां से भागे। बदमाश गाड़ी से एक ओम्पो कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल ले गए तथा वाहन को भी नुकसान पहुंचा। तथा भाजपा युवा नेता गामड़ 4 सितंबर चौकी प्रभारी प्रशांत पाल को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध 336, 294, 506, 427 और 34 भादवी में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और दशहरा पुलिस को सफलता भी हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने हमला करने वाले जीवन पिता गिरधारी अमृत, पिता सरदार गोकुल, पिता सुरेश भाबर, कालू पिता देवी सिंह कटारा, लखन पिता दशरथ सहित 7 आरोपियों को पकड़ा है। सभी आरोपी ग्राम पंचायत हनुमंतिया काग के मजरा कोडड़ा खुर्द के रहने वाले हैं। आज 24 अक्टूबर रविवार दोपहर आरोपियों को मीडिया के सामने पेश कर पूरे मामले का खुलासा किया गया। चौकी प्रभारी प्रशांत पाल ने बताया कि आरोपियों द्वारा वाहन को हाथ दिया था, नहीं रोकने पर पथराव किया था। दशहरा चौकी प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ की मेहनत रंग लाई और मामले का हुआ खुलासा। दशहरा से भगवती वैष्णव की रिपोर्ट। वारदात हुई थी, उसमें अपने आरोपी पकड़ा, क्या है सर? नहीं, कुछ समय पहले एक चुन्नीलाल गामड़ जी हैं, इनके बुलेरो पे अज्ञात व्यक्ति द्वारा पथराव किया गया। किस बात को लेकर योजना